हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयुर्ज्ञान विद डॉक्टर रागिनी। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि मैं एक सीरीज शुरू कर रही हूँ, ये AMO यानी आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का जो इंटरव्यू देने के लिए सेलेक्ट हुए हैं बच्चे उनके लिए है। इसका यूज़ डिफरेंट स्टेट्स में जो इंटरव्यू होने वाले हैं उनके सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज़ काफ़ी बेनिफिशियल होगी। इसमें मैं आपको MOCH और जो प्रीवियस मेडिकल ऑफिसर के जो भी इंटरव्यूज़ हुए हैं उनमें जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनका जो भी अपना एक्सपीरियंस रहा है, कैसे उन्होंने तैयारी की थी, किस तरीके से उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन किया था और कैसा उनका ड्रेसिंग सेंस और बाकी सब चीज़ें रही थी, इसके बारे में वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमारे साथ डॉक्टर अमरनाथ बोस ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, आज हम लोगों के साथ डॉक्टर नंदिनी आनंद जुड़ रही हैं। इन्होंने BMS पीलीभीत यानी ललित हरि राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पीलीभीत से 2014 बैच में किया है और अभी ये उस पीलीभीत से ही द्रव्य गुण में MD कर रही हैं। इनकी MOCH में 10th रैंक है। तो इससे पहले कि मैं डॉक्टर नंदिनी से बात करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंच सके। इसके साथ ही जो भी रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और जो लोग भी प्रैक्टिस करते हैं तो उनके लिए एक ये मेरा सजेशन या एक एडवाइस है कि अगर आप अपने क्लिनिक में डायबिटीज़ या डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट देखते हैं तो एक फार्मेसी है, स्वर्ण आयुर्वेद फार्मेसी, ये काफ़ी सालों से आयुर्वेदिक ड्रग्स जो हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं। तो इनकी काफ़ी सारी मेडिसिंस हैं जैसे डायबिटीज़ के लिए हैं, शिलाजीत वगैरह हैं, स्वर्ण प्राशन वगैरह का ये फॉर्मुलेशन करते हैं। तो जो भी रजिस्टर्ड BMS डॉक्टर हैं अगर वो चाहें तो इन मेडिसिंस का अपने पेशेंट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, उन्हें ये मेडिसिंस जो हैं वो उनकी कंडीशन के हिसाब से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मैंने इनकी कुछ मेडिसिंस जो हैं वो अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब की हैं तो मुझे उनमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं डॉक्टर नंदिनी आनंद से जिनकी MOCH में 10th रैंक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज हमारे साथ डॉक्टर नंदिनी आनंद हैं तो अब मैं उनसे कहूंगी कि वो अपना जो भी इनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है और जो भी सजेशंस हैं, क्योंकि 10th रैंक आई है तो ऑब्वियसली बहुत मेहनत की होगी, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी की होगी, इंटरव्यू भी अच्छा दिया होगा, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को उसका बेनिफिट हो। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं रागिनी मैम को थैंक यू बोलना चाहूंगी जो उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि जिससे सब लोग को इसके इंटरव्यू के बारे में अच्छी सी जानकारी हो पाए। अभी लेटेस्ट जो MOCH की वैकेंसी आई थी उसमें इंटरव्यू जो मैंने दिया वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था इंटरव्यू देने का कहीं भी किसी भी जगह पे। तो मैं ऑलरेडी जैसे आप सब लोग नर्वस होंगे वैसे मैं भी बहुत नर्वस थी कि कैसे होगा क्या होगा। तो बहुत सारे सीनियर से, बहुत सारे जो भी MO थे ऑलरेडी उन लोगों से मैंने बातचीत करी और उनके एक्सपीरियंस से ही मैंने सीखा कि एक इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, क्या करना है। तो सबसे पहले तो जो हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका इंटर होने से लेके आप उस कमरे से जो निकल रहे हो उसका पूरा ही चीज आपका नोटिस किया जाता है कि आप कितने मैनर्ड हो, आप किस तरह से बातचीत करते हो, आप किसी भी परेशानी को कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छी पोस्ट पे आपको अपॉइंट किया जा रहा है तो ऑब्वियसली वो आपका हर चीज देखेंगे कि आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हो। तो ड्रेसअप आपका बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि आपको एक अधिकारी की पोस्ट पे जा रहे हो, तो आपका ड्रेसअप उस हिसाब से होना चाहिए कि आप उस पोस्ट के लिए कितने सिंसियरली अपनी चीज को दिखा पा रहे हो, कितना अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हो। तो गर्ल्स के लिए तो मुझे लगता है कि अगर कोई साड़ी में कंफर्टेबल हो तो उसको साड़ी प्रिफर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप साड़ी में कंफर्टेबल हो साड़ी बहुत ही अच्छा लुक भी देता है और साथ में साड़ी भी प्लेन होनी चाहिए। मैंने तो सूट पहना था क्योंकि मैं साड़ी में बहुत कंफर्टेबल नहीं थी, तो सूट भी आपके जो भी है वो कॉटन का हो बढ़िया लगता है। और मैंने कॉलर सूट पहना हुआ था, साइड दुपट्टा ले रखा था कॉटन का फोल्ड करके, और दोनों ही चीज बहुत ही बेसिक बेसिक कलर की थी, बहुत ही कुछ चटकीले कलर वाला नहीं था। और हेयर स्टाइल बहुत ही सिंपल सी थी, मैंने पोनी किया हुआ था, ना पफ बनाया हुआ था ना कुछ, बहुत ही सिंपल सी पोनी करी हुई थी। मेकअप एकदम जरा सा मिनिमल करना चाहिए, बस लिप बाम लगा लिया या इस टाइप का कुछ भी, बहुत ही सिंपल जाना था वहां पे।
आप फुटवियर कैसा पहन रहे हो, फुटवियर ऐसा हो जिससे आवाज हो रही हो कि आप इधर उधर जा रहे हो तो आवाज आ रही, कमरे में एंटर होने पर टक टक की आवाज आ रही है, ऐसे फुटवियर नहीं होने चाहिए। बेलीज पहनिए या फिर कुछ ऐसा जो आपके ड्रेस के साथ कंफर्टेबल भी हो आपको और आपको सूट कर रहा हो। बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। एक्चुअली जिस दिन मेरा भी इंटरव्यू था, शायद तुम्हारा भी एक्सपीरियंस रहा हो, कि कुछ लोगों ने स्पेशली गर्ल्स ने बहुत ज़्यादा मेकअप कर रखा था वहाँ पे, जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंगल से अगर आप एमओ की पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो वो बेनिफिशियल होता है। तो ड्रेस और मेकअप तो मिनिमल ही होना चाहिए। और मैंने भी कुर्ती और लेगिंग और साथ में दुपट्टा ही कैरी किया था। और नो डाउट जो साड़ी में कंफर्टेबल हैं वो साड़ी पहने और जो सूट में कंफर्टेबल हैं वो सूट पहन के जाएं। मतलब जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आपको वैसी ड्रेस वेयर करनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ जो एंट्री है या कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए वहाँ पे, तो उसके बारे में कुछ मतलब बताएं। जब रूम में एंटर होना होता है तो ऑब्वियसली आपके साथ परमिशन लेके अंदर जाओगे, हालांकि वहां पे गेटकीपर जो होता है वो आपका डोर ओपन कर देता है, उसके बाद भी परमिशन लेके अंदर गई मैं। और वहां पे दो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, एक आयुर्वेद के थे एक यूनानी के थे, क्योंकि उस दिन यूनानी वालों का भी था, और एक मेंबर तो रहते ही ऑब्वियसली, तो मेंबर थे वहां पे। तो तीनों को ही मैंने अपना जो भी उस समय का हो, आपको गुड मॉर्निंग करना जो भी टाइम के अकॉर्डिंग वो कर सकते हो, या फिर नमस्ते, मैंने नमस्ते प्रेफर किया और मैंने नमस्ते ही किया था। और उसके बाद जब मैं अपनी चेयर तक पहुंची तो उनमें से एक सर ने मुझसे बोल दिया कि बैठ जाओ, अगर वो नहीं बोलते तो आपको नहीं बैठना होता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने खुद ही बोल दिया तो मुझे पूछना भी नहीं पड़ा और फिर मैं बैठ गई थी। फिर क्वेश्चन जो सबसे पहले मेंबर स्टार्ट करते हैं पूछना, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप प्रेजेंट टाइम पे क्या कर रहे हो, तो मैंने अपना, क्योंकि मैं यहाँ पे एमडी कर रही हूँ, और तो मैंने जो है उनको बताया कि मैं एमडी कर रही हूँ और द्रविगुण सब्जेक्ट है मेरा, बाकी कॉलेज वगैरह का नाम मेंशन नहीं करना होता है, तो मैंने उस चीज का ध्यान रखा और कॉलेज का नाम मेंशन नहीं किया। उन्होंने कहा कि द्रविगुण को आप कैसे बताओगे, श्लोक में बताना चाहोगे या कोई और परिभाषा बताओगे, तो मैंने द्रविगुण को श्लोक में बताया कि इसका श्लोक क्या होता है। और उन्होंने मुझसे पूछा कि द्रविगुण को मॉडर्न में क्या कहते हैं, तो फार्माकोलॉजी मैंने बताया। तो उन्होंने कहा कि आपको लगता है किसको फार्माकोलॉजी या मेटेरिया मेडिका कहना उचित है, तो मैंने कहा कि सर पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन किसी से मॉडर्न के सब्जेक्ट से रिलेट करना होता है तो फार्माकोलॉजी ही लिखा जाता है। इतनी चीज उन्होंने स्टार्ट करी बातचीत करना। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कोई औषधि कभी घर पे प्रिपेयर करी है आज तक, तो मैंने कहा कि सर क्वाथ बनाए मैंने, तो थोड़ा सा मुस्कुरा के बोले क्वाथ तो हमने भी बनाए हैं। तो मैंने बोला कि सर अभी उन्होंने खुद ही बोला ना, वो बातचीत के सेंस से बात कर रहे थे उस समय, उन्होंने बोला कि कोविड के टाइम पे सबने ही क्वाथ बनाए होंगे, कुछ अलग आप बताओ। तो मैंने कहा सर मेरे कॉलेज में प्रिपरेशन होती है ड्रग्स की, तो उन्होंने कहा रिसेंटली आपने क्या बनाया, तो मैंने चंद्रप्रास बताया कि चंद्रप्रास बनाया हमारे कॉलेज में। उन्होंने फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, एस्ट्रो वर्क पूछा, ये सब पूछा, द्रविगुण से रिलेटेड क्वेश्चन से ही हमारी बातचीत स्टार्ट हुई। बातचीत मतलब उन्होंने भाव प्रकाश का पूछा कुछ चीजें कि भाव प्रकाश का काल क्या होता है, इस तरह से वो क्वेश्चन से ही क्वेश्चन और पुटअप कर रहे थे। जो मेरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे वो थे शालाक्य के, तो उन्होंने मुझसे शालाक्य के क्वेश्चन उसके बाद पूछना स्टार्ट किए, पहले मेंबर ने ही क्वेश्चन पूछे थे। शालाक्य वाले सर ने थोड़े से मॉडर्न के क्वेश्चन भी पूछे, मतलब वहां तो कोई भी हो सकता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट, आपको तो आपको सब कुछ ही थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना चाहिए। साथ ही में आपको ये भी होना चाहिए कि आप जो आसपास चीजें हो रही हैं, लेटेस्ट में क्या हो रहा है, न्यूज में क्या चल रहा है, इन सब चीजों के बारे में भी खुद को अपडेट रखना चाहिए, कि एकदम ये ना हो कि आप बस किताबों में ही लगे पड़े हो और आपको बाकी दुनिया का कोई भी ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं करना है वहां पे। उस समय पे कुछ चीजें जैसे रिसेंट की थी तो मैं उसको भी पढ़ के गई थी, प्रोग्राम्स वगैरह पढ़ के गए थे कि क्या रिसेंट में चल रहा है क्या हो रहा है। एमओसीएस में प्रोग्राम्स के तो काफी सारा मतलब पेपर में भी था और फिर बाद में इंटरव्यू में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो प्रोग्राम्स वगैरह भी पढ़ के गई थी पहले से। उसके अलावा हर सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी क्योंकि है, ऑब्वियसली बात है अगर आपने रिटर्न निकाला है कहीं पे तो उसका तो जानकारी तो होगी, लेकिन सब कुछ को अच्छे से एक बार रिवाइज करके फिर वहां जाना चाहिए, जिससे कि आप नर्वस नहीं होगे। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो क्वेश्चन आपके सामने आता ही आप नर्वस हो जाओगे कि आपने ये पढ़ा नहीं है बहुत दिनों से। तो जहां तक वो हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के, और अगर कोई एमडी कर रहा है तो उसको तो मुझे लगता है उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी लेके फिर इंटरव्यू देना चाहिए। अगर आप कहीं पे क्लिनिक कर रहे हो तो आपसे काय चिकित्सा के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आप पेशेंट देख रहे हो, तो आपसे योग पूछे जाएंगे, आपसे सारे रोग अधिकार पूछे जाएंगे, तो उन सबकी अच्छी जानकारी, या आपको वो कुछ लक्षण बता सकते हैं कि ये लक्षण है बताइए, आप निदान क्या बताओगे इसका, इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। साथ ही में अगर लड़कियां हैं तो उनसे गायनी के क्वेश्चन तो लगभग पूछे ही जाते हैं, और वहां पे मतलब जो मेरे साथ में और भी लड़कियां थी तो उन्होंने भी कहा कि गायनी क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से प्रदर वगैरह हो गया और इन सब चीजों से रिलेटेड, या जो भी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ले कैसे लिया जाता है,
या कोई आपको केस दे दिया गया कि ऐसे ऐसे लक्षण वाली कोई पेशेंट आती है, आप उससे क्या ट्रीटमेंट करोगे, या पीसीओडी वगैरह से रिलेटेड, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर है आजकल ये सब केसेस, पीसीओडी क्या है, पीसीओएस क्या है, इन सब में डिफरेंस क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके इंटरव्यू देने के लिए जाना है। वैसे जो और मुझे लगता है रसशास्त्र और काय चिकित्सा, ये तो ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाने हैं वहां पे। बिल्कुल, जैसा कि बोला कि अपडेट रहना है, तो ये ज़रूरी भी है क्योंकि जो पोस्ट है वो हम लोग एक सोसाइटी को सर्व करेंगे आगे चल के, तो जो भी और जो MOCH की थी वो उसमें तो जैसे प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन है वो सब भी होगा, तो उसके लिए भी साथ साथ जो अभी AMO का जो इंटरव्यू होने वाला है उसमें भी जो डिफरेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं जो कि गवर्नमेंट चला रही है, तो उनके बारे में नॉलेज होना, साथ ही साथ कोविड के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना, और कोविड के टाइम पे मतलब क्या जो आयुष मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस जारी की थी उनके बारे में पता होना, इसके साथ ही च्यवनप्राश है जो कि सभी लोगों ने कोविड में खाया ही खाया था, तो उसके बारे में मतलब बेसिक्स जो है वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। साथ ही साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट उस दिन कोई भी आ सकते हैं, तो जो जैसा कि अभी नंदी ने कहा कि आपको एक जो बेसिक है वो सभी सब्जेक्ट का पढ़ के जाना है, ताकि अगर आपसे कुछ, क्योंकि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछते हैं, जो उस सब्जेक्ट के बहुत ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने BMS में पढ़ी ही होती हैं वो उसी से रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं, तो आपने अगर अपने रिटर्न निकाला है तो अगर आप थोड़ा सा भी एक बार रिवाइज कर लेंगे तो वो चीज़ें आपको रिकॉल हो जाती हैं। और दूसरा ये है कि हाँ, अगर आपने MD किया हुआ है या कर रहे हैं तो जिस भी सब्जेक्ट से आप MD कर रहे हैं या जो भी आपका थीसिस का टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसमें गलती करते हैं तो फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में ही जब नॉलेज नहीं है तो फिर वो, फिर उसके बाद आपका जो एरिया ऑफ इंटरव्यू है वो बढ़ जाता है कि फिर उसके बाद वो आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी तरह जो गर्ल्स के लिए बताया गायनी के क्वेश्चन, तो वो एक तरीके से मैंडेटरी है कि एक दो क्वेश्चन तो उनसे गायनी से रिलेटेड पूछे ही जाएंगे, क्योंकि जो एक इन जनरल चीज़ है, हम CHC PHC पे पोस्ट होंगे सिलेक्शन के बाद, तो वहाँ बीइंग अ फीमेल हमारे पास मोस्ट ऑफ द फीमेल्स पेशेंट आएंगे, ऐसा नहीं है मेल्स नहीं आएंगे, बट जो एक रेशियो होता है वो फीमेल पेशेंट का ही ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए आपको गायनी की बेसिक नॉलेज जैसे ANC है या प्रदर है या एनीमिया है, जो मतलब बेसिक प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है फीमेल्स की, उन पे आपको ज़रूर फोकस करना है। और इसके साथ ही कोड वगैरह का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो कोई और सजेशन या टिप्स, कोई बुक सजेस्ट करनी हो या कुछ पढ़ने का तरीका बताना हो कि कैसे जो बच्चे हैं, जो अभी स्टूडेंट्स हैं जो इस समय प्रिपरेशन कर रहे हैं AMO इंटरव्यू के लिए, तो वो कैसे क्या करें? मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ना है, लेकिन जितनी भी पढ़ना है 2 घंटे 3 घंटे आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें आप ऐसा पढ़ें जो आपके यूजफुल हो, ऑलरेडी लोगों से पूछा जा रहा हो, जैसे कि एक रसायन और वाजीकरण, ये अपने आयुर्वेद के लिए बहुत ही ज्यादा ऐसा टॉपिक है कि इस पे सब लोग चर्चा करना चाहते हैं भले वो आयुर्वेद का ना हो, तो जैसे मेध रसायन होता है तो मुझे लगता है वहां अगर 50 स्टूडेंट थे 50 में से 5 से या 10 लोग से मेध रसायन वो पूछ रहे थे कि मेध रसायन के बारे में आप क्या जानते हो, क्या होता है ये, ऐसे उन्माद अपस्मार इस तरह की जो व्याधियां होती हैं उसके बारे में वो पूछ रहे थे। अगर प्रमेह है तो प्रमेह, क्योंकि डायबिटीज से है उसके रिलेटेड कितने पेशेंट होते हैं, तो प्रमेह इस तरह के जो टॉपिक है, प्रमेह हो गया, पांडु हो गया, ये टॉपिक ऐसे जिनके बारे में अच्छी खासी नॉलेज आपको होनी चाहिए। करंट में अगर किसी चीज पे कोई रिसर्च चल रही है जो कि बहुत पॉपुलर है तो वो भी आपको पता होनी चाहिए कि हाँ इन चीजों पर रिसर्च चल रही है। जैसे मुझसे एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि कैंसर की एक ड्रग है जो कि किसी प्लांट से बनती है, बहुत ही पॉपुलर है, वो आप बताओ, तो वो ऑब्वियसली बात है कि आप थोड़ा अपडेट रहोगे तो आपको चीजें पता रहेंगी कि हाँ ड्रग बनी हुई है, उसका ऐसे यूज हो रहा है, तो सदाबहार जो प्लांट होता है उससे बनती है उसकी ड्रग की, तो इस तरह की चीजें आपको। और अगर आप द्रव्यगुरु के स्टूडेंट हो तो मुझसे जैसे उन्होंने बोला कि आप बॉटनिकल नेम पहले बोला करो, आप प्लांट का नाम बाद में लिया करो, तो उस तरह की चीजें ध्यान रखनी कि आप अपने स्ट्रीम में हो और आपको उस चीज को पहले बोलना है कि हाँ मैं सब्जेक्ट हूँ, तो मेरी बातचीत में वो लगना चाहिए कि हाँ मैं इस सब्जेक्ट से कर रही हूँ। साथ में मुझे ये लगता है कि जो प्रोग्राम्स हैं MOCH में पूछे जाते थे, AMO के भले ही एंट्रेंस में नहीं थे लेकिन वो आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि PSC पे भी आपको करना तो यही है कि प्रोग्राम्स वगैरह आपको कैसे एम्पलीफाई करोगे, क्या करोगे, जो लड़कियों से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना या इस तरह की योजना, तो ये आजकल क्योंकि लेटेस्ट भी है और लड़कियों से तो और ज्यादा पूछी जाती है कि वो कितनी अपडेट रह रही है, इसलिए सब चीजें बहुत अच्छे से पढ़ के जानना है। जो मदर और चाइल्ड केयर रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स हो वो आपको अच्छे से आने चाहिए, तो इस तरह के प्रोग्राम्स पे बहुत फोकस करना है। और एग्जाम में जो हॉल में अंदर आप जाओगे तो वहाँ सब लोग नर्वस होते हैं, आप भी नर्वस हो गए ऑब्वियसली बात है, लेकिन अंदर आपको
खुद को बहुत काम रखना है। अगर आप अंदर नर्वस हो जाते हो तो लोगों को ये लगेगा कि आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालोगे। जब आप अभी इतना नर्वस हो रहे हो चार लोग के सामने, तो वहां के सामने तो बहुत से लोग होंगे, आप कैसे संभालोगे चीजें। तो खुद को बहुत ही काम रख के अपनी चीजों को अच्छे से बताना है उनको। वहां जो यूनानी वाले सर थे तो उन्होंने भी मुझसे सवाल किया था कि यूनानी चिकित्सा के बारे में आप क्या जानते हो। तो एक आयुर्वेद स्टूडेंट होने के नाते मुझे उतना नहीं, लेकिन तब भी मैं थोड़ा पढ़ के गई थी क्योंकि मुझे पता था कि अंदर एक एक्सपर्ट हो सकते हैं यूनानी के। तो मैंने उसका बेसिक पढ़ लिया था कि इनका बेसिक क्या है। तो बेसिक बहुत ही आयुर्वेद से मिलता जुलता था। बस उनके जो दोष थे वो चार होते, उनके नाम उनका नाम वैसे ही जैसे उनकी भाषा में बताया था कि सौदा, सफरा, बलगम, खून, ये होता है। ये सुन के उनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आई थी कि हाँ ये लड़की पढ़ के आई है यूनानी के बारे में भी। फिर उन्होंने मुझसे सब कुछ उधर पीजी से रिलेटेड ही पूछा, क्योंकि वो बाकी तो आयुर्वेद शायद उतना नहीं जानते होंगे, या जानते भी होंगे तो उन्होंने मुझसे पूछा नहीं। उन्होंने ये पूछा कि एथिकल कमेटी का क्या रोल होता है, क्योंकि मैं एमडी कर रही थी, मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो उनको ये था कि आपकी सिनॉप्सिस तो सबमिट हुई होगी। तो जो भी आप कर रहे हो अपने काम में, आप बिल्कुल परफेक्ट हो, कि आपसे रिलेटेड काम में कि पता चले आपको अपना टॉपिक नहीं क्लियर है, या आपको अपना थीसिस का टॉपिक सही से समझा नहीं पा रहे हो सामने वाले को, ये चीजें नहीं होने देनी है। कि आप अपना टॉपिक नहीं समझा तो उनको लगेगा कि अपना जो भी काम कर रहे हो उसमें तो परफेक्ट लगो, इसलिए आपको अच्छे से अपने टॉपिक को भी तैयार करके जाना है। बिल्कुल, जो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन्हें अपना जो क्लिनिकल है वो बहुत स्ट्रांग रखना है, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप डेली पेशेंट देख रहे होंगे, उन्हें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे रहे होंगे, तो आपको अपना क्लिनिकल जो है वो बहुत स्ट्रांग करना है, यानी काय चिकित्सा पर आपको फोकस करना है और उसके साथ में अदर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। इसी तरह जो पीजी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो उन्हें जिस भी सब्जेक्ट से उन्होंने पीजी की है अपनी थीसिस, उस पर उनका कमांड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक पीजी स्कॉलर से या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे यही उम्मीद की जाती है कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसमें अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, और कुछ अगर हो जो आप शेयर करना चाहो तो ठीक है, या फिर इस सेशन को यहीं पे एंड करें। टॉपिक्स में मुझे ये लगता है कि जो भी अपने सब्जेक्ट के जो जानकारी होगी तो सब कुछ तो हम पढ़ नहीं सकते कि हम पूरा सब्जेक्ट लेके बैठ गए पढ़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि हर सब्जेक्ट जो होता है वो चाहे रसशास्त्र हो, वैसे हो, हर सब्जेक्ट का कुछ एक कोर होता है जो पता होता है कि हाँ इसमें से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो वो चीज तो सबको अच्छे से पढ़ ही लेना चाहिए। अब जैसे रोग अधिकार पूछे जाते हैं तो बहुत ही पॉपुलर योग पूछे जाते हैं, ऐसे योग नहीं पूछे जाते हैं जो आपने कहीं रेयरली सुने। तो इस तरह की जैसे रोग अधिकार वाली मुझे लगता है कि लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, या रोग के अकॉर्डिंग आपको पांच पांच आराम से योग की हाँ ये रस औषधियां ये होती हैं, काश औषधियां ये होती हैं, उनको आप अलग से नोट्स प्रिपेयर करके उसकी तैयारी कर सकते हो कि आप डेली रिवाइज कर पाओगे उसको। क्योंकि ऐसे बुक से या फिर आप अपने पीजी के जैसे तो रिवाइज समय पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका बहुत ही जल्द इंटरव्यू हो सकता है शायद एक डेढ़ महीने में। तो मुझे लगता है आपको छोटे मोटे नोट्स ऐसे प्रिपेयर कर लेना चाहिए जो आप पहले एग्जाम के एक दिन पहले भी उसको रिवाइज कर सको। और एग्जाम जैसे आपका जब इंटरव्यू होगा तो आपको इलाहाबाद मुझे लगता है कि एक दिन पहले पहुंच जाना चाहिए, जिससे आप उस दिन कुछ ऐसा हड़बड़ी में कुछ भी ना करने लगो कि एकदम से देर में पहुंचे हैं, फिर समझ में नहीं आ रहा है कि अभी अभी तो आए हैं, नींद नहीं पूरी है, या इस तरह की चीजें एकदम अच्छे से आप जाओ, इसलिए एक दिन पहले चले जाना चाहिए। दूसरी चीजें आपके डॉक्यूमेंट्स सब कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि वहां पे जब डॉक्यूमेंट्स में कमी निकलती है तो हम वैसे ही बहुत नर्वस हो जाते हैं कि हाँ हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है या इसमें कोई कमी निकल गई है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स सबको परफेक्ट कर लेने चाहिए पहले से ही। बिल्कुल, और जितना ज़्यादा काम रहेंगे जितना पहले पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट डे लेट हो रहा है या इंटरव्यू में पहुंचने में देरी हो रही है तो आधा जो इंसान है ना उसका कॉन्फिडेंस वहीं लूज हो जाता है बाकियों के कंपैरिजन में। दूसरा ये है कि आप जब वहां जाए तो आसपास अटेंटिव रहें कि वहां पे क्या क्वेश्चन चल रहे हैं उस दिन, लेकिन किसी दूसरे के इंटरव्यू जैसे होता है कोई फ्रेंड मिल गया या कोई जूनियर सीनियर मिल गया उसने अपना इंटरव्यू बताया तो उसे सुन के डीमोटिवेट भी ना हो कि हाय जो इससे क्वेश्चन पूछा था वो मुझे नहीं आता है तो अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे बताऊंगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो किसी एक का हो वही आपसे पूछा जाए। लेकिन साथ ही साथ अटेंटिव ज़रूर रहें कि क्या कोई ऐसा टॉपिक है जो या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम स्टूडेंट से पूछा जा रहा है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने किसी सीनियर से, जूनियर से, बैचमेट से, जिससे भी आप कॉन्टैक्ट करके उसका आंसर अगर पा सकते हैं तो लेने की कोशिश करें। और ये बिल्कुल ठीक है कि पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो हर सब्जेक्ट का होता है कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो हम लोग जब पढ़ते भी थे एग्ज़ाम के लिए तो समझते थे, जैसे अगर पीडिया है तो उसमें संस्कार है, ये इम्पॉर्टेंट एक हो जाता है। ग्रह होते हैं कभी कभार पूछ सकते हैं, बट अगर कोई पीडिया का टीचर है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो ये क्वेश्चन करें, अदरवाइज़ इतना नहीं है। इससे ज़्यादा माइलस्टोन वगैरह जो हैं
उस पर थोड़ा इम्यूनाइजेशन है, वैक्सीनेशन है, क्या डिफरेंस है, क्या इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, तो इस पर मुझे लगता है थोड़ा पढ़ के जाना चाहिए। साथ ही साथ जैसे अगर हम लोग गायनी की बात करें तो अभी हम लोग उनका ANC है या पोस्टनेटल केयर है, इसके साथ ही जो ये प्रदर वगैरह के बारे में बात की उसके बारे में गर्ल्स को स्पेशली पढ़ लेना चाहिए। फिर अगर द्रव्य गुण का जैसा बताया नंदी ने कि ये तो बेसिक है सबके लिए है कि ये त्रिफला है, त्रिकटु है या फिर चतुर्भुषण है, तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं या ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको आने ही हैं। साथ ही साथ जो योग है वो भी कुछ बहुत कॉमन से योग है, जैसे संजीवनी वटी है, लवण भास्कर चूर्ण है, च्यवनप्राश है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, तो ये कुछ ऐसे औषधि या फॉर्मुलेशन है जिनके बारे में नॉर्मली हर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को पता होना ही चाहिए, और आपसे बींग आयुर्वेदिक डॉक्टर ये उम्मीद की जाती है कि आपको इनके बारे में पता होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन रखनी है और विद कॉन्फिडेंस आपको एंटर करना है, कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ जवाब देने हैं और आ जाना है और सिलेक्शन 110% हो जाएगा। तो जैसा कि फर्स्ट अटेम्प्ट था नंदिनी ने बताया, अभी पीलीभीत से ही PG चल रहा है नंदिनी का, तो अच्छा है PG कंप्लीट होते होते गवर्नमेंट जॉब भी है, तो जो फर्स्ट, ऐसा नहीं है कि जो लोग पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो इस चीज़ को लेकर नर्वस रहे हैं कि ऐसे भी बहुत सारे लोग सिलेक्टेड हैं जो ऑलरेडी एक दो बार इंटरव्यू दे चुके हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, आपकी नॉलेज अच्छी है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छी रैंक से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ठीक है, मुझे लगता है कि अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आगे कुछ होगा तो हम लोग जरूर कोलैबोरेट करेंगे फिर से। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम।